अगर एक दिन का मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया जाए तो क्या डिसीजन लेंगी? यहाँ का क्राइम कम करने की कोशिश करूँगी ऑब्वियसली, और उसके साथ ही जिसको जहाँ काम करना है मतलब विलिंगली पोस्टिंग दे दूंगी। हाँ क्या बात है। कामोठे की जनता आपको बता सकती, क्राइम रेट आपको बताएगा मैंने यहाँ पे क्या नाम कमाया है या क्या काम किया है। तो देखो पिछले साल अपने यहाँ 14 चेन स्नैचिंग के घटना हुई थी, लेकिन इस साल ये अगस्त तक अभी तक 3 ही चेन स्नैचिंग हुए हैं, बहुत कंट्रोल हुआ है। यहाँ पे ट्रेंड अभी ऐसा हो गया है कि हर कोई आता है वो बोलता है कि मैडम को ही मिलना है। अच्छा। मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसकी वजह से लोगों को मतलब यहाँ की आम जो जनता है उनको ये पता चल चुका है कि मैडम के पास जाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मेरे यहाँ अभी 8 ऑफिसर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 12 ऑफिसर यहाँ पे होना चाहिए। क्राइम में फंस जाते हैं, थोड़ा अगर सतर्क रहेंगे या फिर दिमाग सही जगह पर रखेंगे तो एटलीस्ट आप क्राइम को रोक सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, मुंबई के 2 दर्जन से अधिक पुलिस स्टेशन है और इन सभी पुलिस स्टेशनों में एक दबंग लेडी कॉप के तौर पर मशहूर कामोठे पुलिस स्टेशन की सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर स्मिता जाधव जी हमारे साथ हैं। अपने बेबाक अंदाज में काम करने के लिए, लोगों की समस्याओं को तत्काल हल करने के लिए और जो पीड़ित आते हैं इनके पास इस पुलिस स्टेशन में उनको तत्काल न्याय देने के लिए हमेशा इनका काम मशहूर रहा है। आज हमारे साथ स्वयं स्मिता जाधव मैम है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ ये कि अधिकांश मुंबई के जो पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर मेल पुलिस इंस्पेक्टर लीड कर रहे हैं, लेकिन कामोठे एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ये मौका मिला है, कितना आप चैलेंजिंग मानती हैं इस जिम्मेदारी को? देखो चैलेंजिंग तो है ही, जैसे ही हम पुलिस डिपार्टमेंट में जब आते हैं तभी हम ये भूल जाते हैं कि मैं लेडीज़ हूँ या जेंट्स हूँ। ये जेंडर तो हमें भूलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम सैलरी सेम लेते हैं, सब कुछ सेम करते हैं, तो जेंडर बायस हम रहते ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे हम ये विचार करते हैं कि लेडीज़ हूँ या जेंट्स हूँ, मैं इसका विचार नहीं करती, तो जेंट्स ऑफिसर जो है उन्होंने भी ये मानना चाहिए लेडीज़ या जेंट्स, उसका ये मतलब डिफरेंस नहीं करना चाहिए दोनों में। जो जिम्मेदारियां हैं किस तरह से इन्हें आप निर्वहन करती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सारे लोग माइग्रेटेड रहते हैं, नया विकसित जोन है, अभी भी इसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो जो चैलेंजेस हैं पुलिसिंग में वो किस तरह के यहां पर नजर आते हैं? देखो मेरा ये मानना है कि हर वक्त आपको दंडेलशाही की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे मतलब शेयरिंग करते हो, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे आपको मदद करते हैं। इसलिए मुझे कामोठे में कभी ये दिक्कत नहीं आई। आप अगर कामोठे एरिया में जितने भी लोग रहने वाले उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि मैडम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें देती है, तो यहाँ पे उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगर वो मुझसे मिलते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। और मुझे एरिया में मतलब सिचुएशन हैंडल करने के लिए दिक्कत नहीं होती। एक चीज़ जो सबसे बड़ी उभर के आती है कि जब कोई नया शहर जो विकसित होता है तो वहाँ पर खासकर लोग जब बाहर से आते हैं तो बहुत सारे तरह के क्राइम्स वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं,
ये जो कामोठे जो इलाका है ये भी एक तरह से नया अर्बनाइजेशन इलाका है, तो किस तरह से सबसे ज़्यादा जो क्राइम होते हैं किस तरह के होते हैं जिसको आप हैंडल करते हैं? एक्चुअली कामोठे में सबसे ज़्यादा क्राइम्स है ना, ऑनलाइन फ्रॉड के क्राइम्स ज़्यादा है और दूसरे फैमिली इश्यूज, मुझे 498 के इश्यूज ज़्यादा है और अंडर 18 जो लड़कियाँ हैं वो भाग जाती है वो एक ज़्यादा है यहाँ पे। तो कैसे इनको हैंडल कैसे किया जाता है, इनको रोकने के लिए या इनके प्रति जागरूकता बढ़े, लोग इसके लिए सतर्क रहें और पुलिस को इस तरह के क्राइम होने पर या इस तरह की घटनाएं होने पर पुलिस को सीधा संपर्क करें और सहायता लें? एक्चुअली हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि जब भी मैं कौन सी भी सोसाइटी में या फिर गणेश उत्सव में कहीं पर भी जाती हूँ, कौन से भी प्रोग्राम में जाती हूँ, तो मैं ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करती हूँ और मैंने हर सोसाइटी में जाके उनको बोला है कि आप अगर 5-6 सोसाइटीज़ एक साथ इकट्ठा हुए आप अपना टाइम बताइए, फिर हम आके आपको थोड़ा सा लेक्चर देना चाहते हैं, मतलब आधा जागरूक भी होकर वो जागरूक करना चाहते हैं। तो ऐसे हमने काफ़ी काम किया है उसके ऊपर। और यहाँ पे चेन स्नैचिंग भी बहुत ज़्यादा थे, तो चेन स्नैचिंग के लिए हमने हमारे एरिया में कामोठे एरिया में 3 एग्जिट पॉइंट है, वो तीनों एग्जिट पॉइंट पर हमारी रोज डेली सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से 10 बजे तक नाकाबंदी रहती है। तो देखो पिछले साल अपने यहाँ 14 चेन स्नैचिंग के घटनाएं होती थे, लेकिन इस साल ये अगस्त तक अभी तक 3 ही चेन स्नैचिंग हो गए, इसका मतलब बड़ा कंट्रोल हुआ है, बहुत कंट्रोल हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि भाई पुलिस जो है महिलाओं की ज़्यादा नहीं सुनती, आपके मामले में उल्टा है थोड़ा, ये है कि आप खुद ही यहाँ की हेड हैं, खुद ही आप लीड कर रहे हैं, तो जब महिलाओं की समस्या आती तो कितना फेमिलियर आपको पाती हैं कि चलो हमें मेल ऑफिसर से बात नहीं करना है, जो यहाँ की मुखिया हैं वो आप हैं, तो ज़्यादा उनकी तकलीफ समझने में आपको आसानी होती है, ज़्यादा वो लोग अपनी बात सही तरीके से कर पाते, किस तरह का अनुभव है इसमें? एक्चुअली इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि हर एक को अटेंड करना मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं यहाँ सुबह 9:30 बजे आती हूँ, रात को 10 बजे तक मैं यहाँ रुकती हूँ, लेकिन यहाँ से मतलब सिस्टम ऐसा है कि हम एक ऑफिसर और थाना अमलदार ऐसा हम बाहर रखते हैं ताकि जो भी कंप्लेनेंट आए पहले उनसे मिले, वो बात करेंगे, फिर वो ऑफिसर मुझसे बात करेगा कि अगर गुनाह दाखिल करना है या एनसी लेनी है तो वो पूछ के लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड अभी ऐसा हो गया है कि हर कोई आता है वो बोलता है कि मैडम को ही मिलना है। अच्छा, तो ठीक है मुझे थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन उसकी वजह से लोगों को मतलब यहाँ की आम जो जनता है उनको ये पता चल चुका है कि मैडम के पास जाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या एटलीस्ट हमारी दखल ली जाती है, मतलब सुनवाई तो होती है कम से कम, सुनवाई तो कम से कम होती है। मैम आपने एक जिक्र किया खुद ही कि यहाँ से लड़कियों के ज़्यादातर भाग जाने की घटनाएं सामने आती हैं, मतलब ये बहुत एक डेंजर कंडीशन है, उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी लोग इसमें मैच्योर भी होते हैं, ऐसे में किस तरह का अभियान मतलब कुछ आप चलाते हैं क्या कि लोगों को बताएं कि आप अपने बच्चों को लेकर किस तरह सतर्क रहें? एक्चुअली इसके लिए स्कूल और कॉलेजेस में जाके हम लेक्चर लेते हैं और वहाँ पे लड़कियों को बताते हैं कि जब तक आप 18 साल की नहीं हो जाती तब तक आप कुछ डिसीजन मत लेना या फिर एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बिल्कुल ये सब चीज़ें तो बाद में होती ही रहेंगी लेकिन पहले अपना करियर और एजुकेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम बताने की कोशिश करते हैं। आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा नशे का ये चल रहा है और तमाम जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे कि रेलवे स्टेशन हो गए या पब्लिक प्लेसेस हो गए वहाँ पर तमाम युवा आपको नशा करते हुए मिल सकते हैं और नई मुंबई पुलिस जो है नशा विरोधी अभियान भी चलाती है, तो ऐसे में कामोठे पुलिस स्टेशन में इस नशा विरोधी अभियान को किस तरह चलाया जा रहा है, क्या उसकी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और लोग कैसे युवाओं को जागरूक किया जा रहा है? एक्चुअली हमारे यहाँ मतलब यहाँ के लोग ही आकर बताते हैं कि जितने भी गार्डन एरिया हैं, ओपन एरिया हैं, वहाँ पे बहुत सारे लड़के बैठते हैं और नशा करते हैं। नशा करते हैं, तो हम डीबी वालों की हमने टीम कर दी है स्पेसिफिक और जो बीट मार्शल रहते हैं हमारे डेली, मतलब डे टाइम में 2 बीट मार्शल और रात को 2 बीट मार्शल रहते हैं, तो उनको हमने बोल रखा है कि कम से कम दिन में 3 बार तो आपको ये सब गार्डन एरिया जो है वो आपको चेक करना ही है और जैसे वो चेक करते हैं या वहाँ पे जाते हैं
तो वो व्हाट्सएप पे फोटो डालते हैं ताकि मुझे पता चलता है कि वो जाके एक्चुअल स्टेटस है क्या, हाँ वो करके आए हैं। और दूसरी जगह जहाँ टपरी पे अगर गुटखा या अदर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है तो हम वहाँ जाके केस करते हैं। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये इलाका बड़ा है तो अक्सर ये पुलिस स्टेशनों में देखा जाता है कि आबादी तो बढ़ती जा रही है लेकिन उस तुलना में जो अधिकारी हैं वो नहीं रहते हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके पास आबादी के हिसाब से कितने पुलिस ऑफिसर हैं, और आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर बेहतर पुलिसिंग करनी है तो इतने अधिकारी और होने चाहिए? एक्चुअली कामोठा पुलिस स्टेशन यहाँ पे बहुत से लोगों की है ना मतलब मानसिकता ऐसी है कि कामोठा में जाना नहीं है। अच्छा। जिसकी भी ट्रांसफर होती है वो विलिंगली तो तैयार नहीं होता कामोठे के लिए, लेकिन फिर भी जितने भी हैं अभी कुछ लोग ऐसे हैं मतलब कुछ ऑफिसर ऐसे हैं कि यहाँ पर जब तक मैडम है तब तक रहेंगे, जाने के बाद हम जाएंगे क्योंकि कामोठे में कोई काम करना नहीं चाहता, नहीं चाहता बिल्कुल, क्योंकि कामोठा पहले से ही बदनाम है कि यहाँ पे बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्राइम बहुत है, इसकी वजह से कामोठा बदनाम है, इसलिए पुलिस ऑफिसर काम करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन लेडी कॉन्स्टेबल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामोठा में आने चाहती है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर और कर्मचारी कामोठा एरिया में रहने के लिए रहते हैं, यस बिल्कुल, क्योंकि उसका भी रीज़न है क्योंकि सबसे सस्ते घर कामोठा में मिलते हैं, मतलब अगर पूरी मुंबई नवी मुंबई में देखा जाए तो सबसे रेट कम कामोठा में, इसलिए कामोठा में सबसे ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं, तो मतलब घर के नजदीक काम करना चाहते हैं, इसलिए लेडी कर्म मतलब जो महिला कर्मचारी है उनके लिए ये इजी पड़ता है कि जहाँ रहते हैं वहीं पे अगर काम करते हैं तो उनके लिए भी वो, इसलिए मेरे यहाँ सबसे ज्यादा लेडी कॉन्स्टेबल्स सबसे ज्यादा है। संख्या के हिसाब से देखें तो आपको रिक्वायरमेंट क्या लगती है कि यहाँ पर और पुलिस ऑफिसर देने चाहिए? पुलिस ऑफिसर और चाहिए, मेरे यहाँ अभी 8 ऑफिसर हैं लेकिन मुझे लगता है कि 12 ऑफिसर यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या कभी कमिश्नर साहब से या अपर लेवल पे कोई आपने डिमांड रखी कि? पहले तो 6 ही थे लेकिन अच्छा। जब मैं सीपी सर से मिली, हमारे सीपी सर भी बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने तुरंत 3 अधिकारी एक्स्ट्रा मेरे को दिए थे। प्रो पुलिसिंग की बात चलती है कि पुलिस ऐसी होनी चाहिए कि जनता को लगे कि उनकी सहयोगी है, और कभी भी अगर वो किसी कोई अगर किसी मामले में वो फंसेंगे या उनके साथ अन्याय होगा तो पुलिस 100% हमें न्याय दिलाएगी। इस प्रो पुलिसिंग के लिए किस तरह के प्रयास आपके किए जा रहे हैं? देखो ये बताने से भी बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं खुद बताऊं, इससे भी ज़्यादा अगर ये एरिया के जो पब्लिक हैं उनसे अगर आप पूछेंगे कि अगर आपको लगता है क्या ये अभी कामोठे में, जैसे कि मतलब जब से मैं आई हूँ तब से यहाँ का कामकाज कैसे चल रहा है, तो मुझसे ज़्यादा वो बेटर बताएंगे आपको। बिल्कुल मैम, क्या कुछ प्लानिंग है आपकी आने वाले समय में, कुछ अभियान चलाने के लिए भी? आने वाले समय में गणेशोत्सव आ रहा है, 15 अगस्त आपके बिल्कुल सामने है, तो किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से और कानून व्यवस्था के हिसाब से किस तरह की तैयारियां आपकी हैं? देखो गणेश उत्सव इस बार तो बड़ी धूमधाम से होगा ही, बिल्कुल 2 साल लोगों को गणेश उत्सव लॉकडाउन के कारण बंदिशें लगी रही, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ठीक है धूमधाम से करो, इसका मतलब धूमधाम से करने का मतलब ये नहीं कि आप सब रूल तोड़ के बिल्कुल वो करें। अभी बहुत सारी चीजें हटाई गई है गणेश उत्सव के लिए, ऊपर से मतलब बहुत सारी चीज़ों का निर्बंध उठा दिए गए ये साल बहुत जोरदार से होगा, लेकिन अगर मंडल के लोगों के साथ अगर आप बातचीत करेंगे या उनसे कम्युनिकेशन रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, सुनते हैं लोग। एक लेडी ऑफिसर के तौर पर और मुखिया के तौर पर इस पूरे इलाके के, आप इंडिविजुअली कुछ ऐसा आपके मन में आता है कि मुझे इस अभियान को चलाना चाहिए कामोठे में लॉ एंड ऑर्डर के लिए या बेहतर व्यवस्था के लिए, क्राइम फ्री कामोठे के लिए? हाँ मुझे ऐसा हमेशा लगता है, देखो शायद मैं महिला हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का क्राइम यहाँ पे ज़्यादा है कामोठा में, जैसे कि मैंने आपको बताया 498 ज़्यादा है, या फिर लड़कियाँ भाग जाने का यहाँ पे ज़्यादा ये है,
तो इसलिए मुझे हमेशा, मैं जितने भी मेरे पास मतलब सोशल वर्कर आती है महिलाएं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अपने को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करना है कि जैसे हर लड़कियाँ स्कूल और कॉलेज की उनके लिए लेक्चर रख के हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बता सकते हैं कि एजुकेशन क्या है या फिर अपना करियर क्या होना चाहिए, ये हम बता सकते हैं। तो वो तो मुझे करना ही है स्पेसिफिक कामोटे के लिए। और जैसे कि फैमिली मैटर्स है 498 है, उसके लिए मैंने पूना में 3 साल वुमन सेल में काम किया था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने वो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया था। तो कामोटे में पूना शहर में 3 साल में मैंने इतने लोगों के घर बसाए थे कि आज भी वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मैडम सिर्फ आपकी वजह से हम लोग आज एक साथ है। तो वैसा कुछ ऑपरेशन मुझे यहाँ पे करना है कि हमने वहाँ पे क्या किया था कि MSW जिन्होंने किया है उन लोगों के इंटरव्यूज लेकर उनको हमारे पैनल पे लिया था, जैसे हम दक्षता समिति बोलते हैं। तो उनको पैनल पे लेकर हमारे पास जितने भी फैमिली, देखो फैमिली मैटर्स के पास लिए पुलिस के पास ज़्यादा वक्त नहीं रहता, नहीं रहता बिल्कुल। उनको काउंसलिंग करना ज़्यादा हमसे होता नहीं, बिल्कुल। तो इस मैटर में कैसे रहता है कि उसमें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत समझाते हैं तो चलो 100% नहीं, कम से कम 50% तो अगर घर एक साथ जुड़ जाते हैं तो उतना भी काफ़ी समाधान है। तो वो मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। एक्चुअली यहाँ के जो दक्षता समिति के मेंबर्स हैं उनसे भी मैंने बोला है, अभी हम ये स्टार्ट करने वाले, यही गुरुवार से स्टार्ट करने वाले, गुरुवार शुक्रवार वो लोग दक्षता समिति की महिला जो है सदस्य वो यहाँ पे आएंगी। हमारे पास जितने भी फैमिली मैटर्स के एप्लीकेशन है उनको हम बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप उनको काउंसलिंग करो। कई बार आपके अधिकारियों के खिलाफ भी, आपके जो अंडर में काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कुछ शिकायतें आती होंगी, क्योंकि विभागीय वो कार्रवाइयाँ होती हैं, उन्हें कैसे हैंडल करती हैं आप एज ए हेड? अभी मुझे यहाँ पे डेढ़ साल हो गया है। डेढ़ साल में हर ऑफिसर या हर आदमी का पहचान तो हो जाता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो जैसे कोई अगर समझो मेरे पास कंप्लेंट करता है तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि ये कितना सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और अगर आप मेरे ऑफिसर को पूछेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे यहाँ पे जितने भी ऑफिसर हैं उसमें से कोई बहुत हार्श है या रूड है। ठीक है, फिर भी लोगों को शिकायत तो रहती है। अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं दोनों को सामने बिठा कर उनको भी बुलाती हूँ, वो ऑफिसर को भी बुलाती हूँ, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं हुआ, पहले एक ऑफिसर था जो थोड़ा अगेंस्ट था या रूड था, उसके बाद मतलब उसके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स आते थे, तभी मैं उन दोनों को सामने मतलब कंप्लेनेंट को भी और वो ऑफिसर्स को और सच क्या है झूठ क्या है सामने सामने कर देती थी। तो वहीं पे लोगों का समाधान हो जाता। ये बहुत चैलेंजिंग काम है पुलिसिंग का, अपने अधिकारियों को भी संभालना है, लोगों की रोज की प्रॉब्लम है, बहुत सारे केस पेंडिंग है, उनको भी देखना है, उनकी भी मॉनिटरिंग करना है। इंडिविजुअली कभी आपको लगता है कि कुछ छुट्टी होनी चाहिए ऐसी, आप कह रहे हैं कि 9 बजे से लेकर 10 बजे रात तक हो, तब छुट्टियों में मोस्टली हम फैमिली के साथ बाहर ही जाते हैं। हो सके जितना, अगर 2-3 की छुट्टी मिली तो मैं पूना की हूँ बेसिकली, अच्छा, और मेरी फैमिली पूना में रहती है, तो अगर 2 दिन की छुट्टी भी मिली तो 1 दिन के लिए तो कहाँ हुई ना, हम लोग बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं, तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। मैं आखिरी सवाल पूछूँ, उससे पहले मैं 5 इंडिविजुअल सवाल आपसे पूछूँगा, वो आपके इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं और उसको एक लाइन में आपको जवाब देना है। आपको गुस्सा कब आता है? कोई सुनता नहीं है तो। आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? बच्चों से मिलती हूँ। आपका फेवरेट फूड? घर का बाजी रोटी। अच्छा, बाजी रोटी। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? लेह लद्दाख। ओह, बहुत चैलेंजिंग जगह। आपकी हॉबी सबसे बड़ी क्या है? डांस करना। ओह ग्रेट। अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी ये काम? एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। मतलब बहुत कुछ करना है लेकिन एक दिन में नहीं होगा। अगर एक दिन का मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया जाए तो क्या डिसीजन लेंगी?
यहाँ का क्राइम कम करने की कोशिश करूँगी ऑब्वियसली, और उसके साथ ही जिसको जहाँ काम करना है मतलब विलिंगली पोस्टिंग दे दूँगी। हाँ क्या बात है। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल ये, अगर भगवान साक्षात प्रकट हो जाए और पूछें कि पिता जाधव जी बताइए आपको एक चीज क्या मांगनी है, तो आप क्या मांगेंगे? मतलब रिटायरमेंट के बाद मुझे ज्यादा दिन जिंदा मत रखना, ये मांगूंगी मैं। एक आखिरी सवाल, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपराध से जुड़े हुए हैं कि आप यहां बैठी हैं, उन्हें डरना चाहिए? आप उन कामोठे की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि ये भरोसा रखें कि यहाँ पर एक सीनियर और दबंग और न्याय को सपोर्ट करने वाली और लोगों को मदद करने वाली एक सीनियर इंस्पेक्टर यहाँ पर बैठी है? देखो अभी कामोठे में आके मुझे 1.5 साल तो हो गए हैं, कामोठे के एरिया के लोगों को पता ही है कि मैडम कैसी है, इसलिए अभी पता नहीं कि क्राइम रेट आपको बताएगा कि मेरी मतलब मैंने यहाँ पे क्या नाम कमाया है या क्या काम किया है, ये आपको क्राइम रेट या फिर कामोठे की जनता आपको बता सकती है कि यहाँ मैंने किस तरह का काम किया है और किस तरह का मैंने अपना वचन बिठाया है यहाँ पे। बिल्कुल, कोई संदेश आप देना चाहेंगे जनता को? डेफिनेटली मैं जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि लोग क्राइम में फंस जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ होता नहीं है, वो ऑटोमेटिक फंस जाते हैं। थोड़ा अगर सतर्क रहेंगे या फिर दिमाग सही जगह पर रखेंगे तो एटलीस्ट आप मतलब क्राइम को रोक सकते हैं। बिल्कुल। जाते जाते आखिरी लाइन, अगले 5 सालों में अपने आप को किस रूप में आप देखना चाहते? ऑलवेज सीनियर ऑफिसर, इंचार्ज ऑफिसर। पोस्ट बताइए? सीनियर पी आई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। किसी ने शेर लिखा है कि अभी तो आखिरी उड़ान बाकी है, अभी तो इम्तहान बाकी है, अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। स्मिता जाधव मैडम से बात करने के बाद ऐसा ही एहसास होता है कि आज ये बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं, इसके बावजूद भी इनके हौसले और इनका जज्बा इतना बड़ा है कि आगे और भी ऊंचाई पर और भी बुलंदी पर जाना चाहती हैं, और जिस तरह से इनका विजन है कि हम कामोठे की जनता को क्राइम से मुक्त करने की कोशिश करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि ये मिशन उनका कामयाब हो। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 India Live। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India Live को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।